कोकुंदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, जनजातियां होने के बावजूद भी हम सब मिलकर एकता में बंधकर 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमारे देश में दीपावली, होली, ईद आदि त्यौहार जैसा ही धूमधाम से मनाया जाता है। गर्व महसूस होता है हम जब कहते हैं कि हमारा संविधान देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहेब द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व होता है जब अनेकता में एकता के गीतों के स्वर हमारे कानों में गुंजन करते हैं और गौरवान्वित करता है हमारा वह तिरंगा जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉक्टर रेणु शर्मा तथा डॉक्टर शेफाली अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संगीत विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुदेश कुमारी तथा डॉक्टर प्रवीण सैनी का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर पुनीता शर्मा, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर अर्पणा जोशी, डॉक्टर सीमा अग्रवाल आदि सभी प्रवक्ताओं सहित समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। साथ ही मंतशा शर्मा, निम्मी वर्मा, सृष्टि शर्मा, रिया शर्मा, इकरा आदि छात्राएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। मैडम, बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर एक गणतंत्र दिवस को प्रश्न में क्या संदेश है आपका? मैं प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय आज देश के इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि छात्राएँ हमारे यहाँ जो है वो उज्जवल भविष्य की प्रतीक हैं और ये देश की आज़ादी की देन है कि आज छात्राएं हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, निरंतर उन्नति को प्राप्त कर रही हैं। अब हम उन्हें बराबर इक्वालिटी की बात अब महिलाओं के लिए हम कर सकते हैं कि अब महिलाओं का भी बराबर का अधिकार है इस समाज और देश के निर्माण में। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाएं जो है वो अपनी भागीदारी ना दे सकती हों, चाहे वो घर हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं अग्रगणी हो रही हैं और एक लीडर के रूप में उभर कर आ रही हैं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि मेरे इस देश के उन शहीदों को नमन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे इस देश को आज़ाद कराया और हम सभी को सम्मानपूर्वक सिर उठाकर जीने का ये अवसर दिया। तो उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, अपने देश से प्रेम करें, देश के अंदर भाईचारे की भावना लाएँ, एकता की भावना लाएँ और सम्मान से अपने जीवन को व्यतीत करें। क्या शुभकामनाएं? मेरी शुभकामना यही है कि अगले साल जब हम गणतंत्र दिवस मनाएं तो हम सभी के बीच में एक प्रेम, एक एकता, एक भाईचारा दिखाई दे और जो आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं उससे बेहतर स्थिति हमारे बीच में हो, हम पर्यावरण और प्रकृति के संग भी अपना संतुलन स्थापित कर पाएँ और एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी पाएं।